ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में। और हम एक नो कांटेक्ट पे लव टैरो रीडिंग बनाने लगे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी, फिर आपके पार्टनर की, एंड फाइनली हम डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स आपके लिए। ये सन एंड मून राइजिंग दोनों से है, इवन आप इसे अपने नाम से भी मैच कर सकते हैं जो आपको रेजोनेट करे फ्रेंड्स। और प्लीज़ ये एक जनरल रीडिंग है, तो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर आप फोर्स मत करें। सारी चीज़ें आपसे मैच नहीं हो सकती, हर चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सारी की सारी चीज़ें ही मैच हों, ठीक है। और जितने भी लोग जो आज न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल पे आज पहली बार ज्वाइन किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। रीडिंग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और इसी पॉजिटिव नोट पे मैं रीडिंग बनाना स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। चलिए, सो वर्गो राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपकी क्या है रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो वर्गो के कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सॉरी, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए वर्गो, जो आपका इस रिलेशनशिप में पैशन था ना, अब वो पैशन जो पहले आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, वो पैशन आपने उसका जो वॉल्यूम है ना पैशन का, उसको जैसे अगर वो 5 पे था तो आप ले आए हो उसको 1 पे। आपने अपना वो पैशन इस रिलेशनशिप के लिए और इस पर्सन के लिए कर लिया है कम। मे बी ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते थे, आपने शायद हद मचा रखी थी एफर्ट्स करने की, आप भी शायद इक्वल गिव एंड टेक करने में लगे रहते थे, आपको लगता था मैं एफर्ट डालती रहूँ। कई लोगों को ये रिलेशनशिप में एक गलत फहमी होती है, कुछ साल पहले मुझे भी थी कि हमें ये लगता था, मुझे ये लगता था, बींग अ वर्गो, आई एम ऑल्सो वर्गो, सो आई एम टेलिंग यू, बींग अ वर्गो, मुझे ये लगता था कि अगर मैं सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग बना सकती हूँ, या अगर मैं उसे बहुत इमोशनल मतलब लव दूँ, उसे उसकी केयर करूँ, हर समय उसके आगे पीछे घूमती रहूँ, या हर समय, सो सॉरी टू से, अगर किसी को ये सब करने के बाद भी नहीं अकल आती या समझ आती, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ों को थोड़ा सा वर्गोस समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ ओवर ही गिविंग होते हैं, तो आप ओवर गिविंग मत बने रिलेशनशिप में। आपकी शुरू से आदत है, इनफैक्ट इस रिलेशनशिप में हो या अगले किसी रिलेशनशिप में जाओ तो मत करना वही। आपने अब शायद आपको शायद थोड़ा सा अब थोड़ा सा एक आपको डाउनलोड आया भगवान की तरफ से कि अपने पैशन के बटन को थोड़ा सा कम करो, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है आगे से, आप ही देते जा रहे हो। आप अपने प्लान बना के बैठे हुए हो ये वाले कि मेरा तो जी घर संसार बन जाए इस पर्सन के साथ, और वो पर्सन की तो खैर अभी रीडिंग देखूंगी मैं क्या बनी है, लेकिन अपना नहीं। अब आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ बातचीत करते हो, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, उनके साथ डिस्कशंस करते हो। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो 10 ऑफ सोर्ड्स से इस रिलेशनशिप में आपने अपनी तरफ से अपने मन में इस रिलेशनशिप पे एक फुल स्टॉप या एक कॉमा लगा दिया है, और अपनी तरफ से आपने गिव अप कर दिया है। नो मैटर आपके मन में आज भी कितनी ही स्ट्रांग फीलिंग्स हों, बट वर्गोज आपने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक पॉज लगा दिया है। आप कोई मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा भाई मैं तो यही ऐसे वाला नहीं, ठीक है। हर्टिंग है, आज भी दुखी हो, आज भी परेशान हो, लेकिन अब मैनेज कर रहे हो आप, पहले नहीं कर रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं उनकी फीलिंग्स, देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके में भी आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
क्वीन ऑफ कप्स, आपके में आया था किंग ऑफ कप्स। एनीवेज इनकी फीलिंग्स देखो, इनका क्या है, ये तो पुरानी बातों को याद करे जा रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इस रिलेशनशिप में इतना दिया, मैंने इतना कुछ किया, मैंने फलाना किया, ढिमकाना किया, ठीक है, बहुत कुछ है, इन्होंने भी बहुत आपके लिए किया। अच्छा, इन्हें सबसे बड़ी बात ये पता है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, ठीक है, क्योंकि वर्गोस जो होते हैं वो तो भाई यकीन दिला ही देते ना, क्योंकि आगे पीछे घूम घूम के ओवर कर करके, तो आपने भी इनके साथ बहुत ओवर किया है। आप कोई स्पेशल वर्गो हो, डिफरेंट वर्गो हो तो मुझे नहीं पता, बट ज़्यादातर वर्गोस की यही एनर्जी होती है। आपका जो ये सपना था ना, अब ये उस सपने की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई अरे वर्गो के साथ तो मेरा घर परिवार था, संसार था, चीज़ें थी, और वो तो मेरे से कमिटमेंट चाहता था, वो तो कमिटमेंट निभाता था, अब वर्गो कहाँ गायब हो गया, मुझे इतना प्यार कौन करेगा, कोई भी नहीं कर रहा, तो अब थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, खालीपन सा लग रहा है, खुद को ही बैलेंस करने लग गए। किसी ने कहा है उन्हें बैलेंस करो अपने आप को, खुद को बैलेंस कर रहे हैं भाई, खुद को संभाल रहे हैं इमोशनली प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा, अगर पहले कुछ थे, और मन में सोच रहे हैं कि मैं ही वर्गों की तरफ धीरे धीरे करके अपने प्यार का कप लेके जाता हूं। अभी भी कोई ये नहीं कि भागते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा मत सोचना कि भाई आ जाएंगे कल ही आ जाएंगे आपसे बात करने, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अब उन्हें कहीं ना कहीं हुआ है कि यार दोस्तों से बात करूं, रिश्तेदारों से बात करूं, भाई क्या हो गया, अरे वर्गो तो मुझसे पूछ ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं कर रहा। उसके मन में तो बड़ी फीलिंग्स थी, वो तो बहुत ज़्यादा पूछता था मुझे, तो इस तरह की फीलिंग्स हैं वर्गो आपके पार्टनर के बीच में। आपके पार्टनर अब ये सब सोच रहे हैं, इंटेंशंस देखती हूँ, इंटेंशन वाइज भी क्या है, फीलिंग्स तो दिख गई। इंटेंशंस में अभी भी है कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और कहीं ये ना हो वर्गो के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो, क्योंकि वर्गो भी तो यंग है, वर्गो के पास भी ऑप्शन हो सकते हैं, अगर मेरे पास ऑप्शन है तो वर्गो के पास भी होंगे, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, है ना। तो मन में इनसिक्योरिटीज़, डर, फीलिंग्स, इस तरह की चीज़ें हैं, एक कहते हैं ना डावाडोल सी फीलिंग्स हैं, एक इस तरह का पर्सन है ये, ठीक है, इस तरह की अभी फ़िलहाल उनके मन में एनर्जीज हैं। डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ। अच्छा, ये वर्गो की रीडिंग बड़ी लंबी हो जाती है भाई, बाकी सबकी इतनी हो ना हो, स्पेशली जब भी देखोगे ना वर्गो का सबसे लंबा टाइम होता है, ज़्यादा ही बोलती हूँ शायद मैं वर्गो के टाइम। केयर एंड कंपैशन, ये खुद के लिए है आपके। Choose to be loved. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. तो भाई सबसे पहले तो खुद को मतलब प्यार करवाना भी आना चाहिए। एक तो ये choose to be loved. तो कहीं कैसे आपको दूसरों से भी प्यार करना है और दूसरों के लिए भी कैसे प्यार दिखाना है, तो थोड़ा केयर भी करो, कंपैशन भी करो, बट यस मैं तो कहूँगी ज़्यादा मत करो, वर्गो ज़्यादा ही कर देते हैं, ठीक है। Experiencing grace, share your gifts with. So basically आपके पास कुछ भी inspiration and loves which are coming to you, लोगों के साथ मेल बांट के अपनी जो भी चीज़ें हैं उन्हें मतलब अपने experiences को, अपनी चीज़ों को, देखो मैं तो ये कहूँगी अपने जो आपने life में experience gain किया है ना उसे लोगों के साथ share करें, जो आपको जो आपकी guidance लेना चाहते हों basically, और थोड़ा सा अपनी केयर करें और लोगों के प्रति कंपैशनेट रहें, ठीक है। सो ये वर्गो आपकी रीडिंग थी जो कि काफ़ी लंबी हो गई है, और आई होप कि आप इसे रेजोनेट कर पाए हो। क्लेम करना फ्रेंड्स रीडिंग को अगर मैच किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना, और पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर नंबर से कॉन्टैक्ट करना। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।